नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। झांसी में 2 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर रानी लक्ष्मीबाई किले की तलहटी में आगमन की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभा स्थल का आज DIG जोगेंद्र कुमार, SSP राजेश में बारीकी से निरीक्षण किया और अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिया है। वहीं सभा स्थल को तैयार करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया गया, क्योंकि 2 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यही जगह नगर निगम निकाय नगर पालिका को जिताने के लिए प्रत्याशियों को जीत का मंत्र भी देंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। चप्पे चप्पे पर अभी से पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। कर्मी का एंट्री पास किस तरह का इंफॉर्मेशन ऑफिसर द्वारा दिया जाएगा, उन लोगों का लिस्ट, LAU का चेक, इस तरह का हर तरह का सुरक्षा दृष्टि में हम लोग देख चुके हैं। और आप लोगों के माध्यम से ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि कल इस एरिया के आसपास पूरा ड्रोन का नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया DM महोदय द्वारा। अन्य पार्किंग एरिया भी हम लोग डेजिग्नेट कर चुके हैं, तो जिस तरह हम लोग तैयारी कर रहे हैं CM विजिट सकुशल संपन्न होगी। कितना फोर्स लगाया गया, कितना के फोर्स का अनुमानित मैं बता सकता हूँ। बाहर से हम लोग DSPs को भी हम लोग बुलाए हैं, लगभग 14 DSPs टोटल इसमें लग रहे हैं। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सब मिला के लगभग 800 लोगों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। DGP के आदेश को थाना अध्यक्ष पीपलपुर नहीं मानते हैं। अपने एक आदेश में DGP ने कहा था कि पुलिसकर्मी जमीनी प्रकरण में हस्तक्षेप ना करें। अपनी कार्यशैली को लेकर थाना अध्यक्ष हमेशा सुर्खी में रहते हैं। वृद्ध महिला थाने के चक्कर लगाने को मजबूर है, फिर भी पीड़ित को थाने में बिठाने का आरोप है। पीपलपुर पुलिस दबंगों से मिलकर बुजुर्ग महिला की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। अमेठी जनपद के पीपलपुर थाना क्षेत्र स्थित हरिपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर थानाध्यक्ष पर यह आरोप है कि वृद्ध महिला की जमीन है, लेकिन दबंगों से सांठ गांठ करके पुलिस लगातार वृद्ध महिला को ही थाने में बिठा रही है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रतापगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। CM योगी शहर के GIC मैदान में निकाय चुनाव के मद्देनजर जनसभा को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हरिप्रताप सिंह समेत नगर पंचायत के सभी प्रत्याशियों को जिताने का अपील की। मंच से अपने संबोधन के दौरान CM योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि गैर भाजपाई सरकार में गुंडों माफियाओं के लगातार बोलबाले होते रहते थे, लेकिन गुंडे अब थरथर कांपते हैं। उन्होंने मंच से संबोधन के दौरान कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है और इसकी निरंतरता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि शहर में भाजपा के पार्षद हों और अध्यक्ष निर्वाचित हों, जिससे नगरीय क्षेत्र का स्वर्गीकरण विकास हो सके। एटा के थाना कोतवाली नगर और देहात पुलिस और SOG द्वारा BJP जिला अध्यक्ष संदीप जैन से स्पीड पोस्ट के माध्यम से करोड़ की रंगदारी मांगने और ना देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने पिता और बेटे को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने चचेरे भाई से बदला लेने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी एटा के जिला अध्यक्ष संदीप जैन को धमकी भरा पत्र भेजा था। आपको बता दें कि कोतवाली नगर क्षेत्र के कैलाशगंज निवासी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संदीप जैन को धमकी भरा पत्र स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसमें संदीप जैन से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का जिक्र था। 1 करोड़ रुपए रंगदारी ना देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी लिखी थी, जिसकी सूचना BJP के जिलाध्यक्ष संदीप जैन द्वारा कोतवाली नगर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पोस्ट ऑफिस के CCTV फुटेज खंगाले। इसी दौरान स्पीड पोस्ट करते हुए युवक के फुटेज पुलिस के हाथ लगे। इसी आधार पर कोतवाली नगर पुलिस और कोतवाली देहात SOG ने मिलकर भूपेंद्र यादव और धनंजय यादव को गिरफ्तार किया। इनकी तलाशी लेने पर स्पीड पोस्ट की रसीद और डायरी मिली है, जिसमें बस लिखा हुआ था। दोनों चीजें पुलिस ने बरामद की हैं। तो एटा का ये पूरा मामला है, जहां पर रंगदारी मांगने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल BJP के जिला अध्यक्ष को धमकी भरा पत्र दिया गया था और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो एटा का एक पूरा मामला है, जहां पर
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बताए जा रहे हैं संदीप जैन, जिन्हें कुछ दिन पहले एक धमकी भरा पत्र मिला था जो कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आया था। इस पत्र में ये धमकी दी गई थी कि उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएं और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें और पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इस मामले में पुलिस ने पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चचेरे भाई से बदला लेने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी एटा के जिला अध्यक्ष संदीप जैन को धमकी भरा पत्र लिखा। आपको बता दें कि कोतवाली नगर क्षेत्र के कैलाशगंज निवासी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संदीप जैन को धमकी भरा पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिला था, जिसमें संदीप जैन से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का जिक्र भी था और 1 करोड़ रुपए रंगदारी न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी लिखी थी। इसकी सूचना बीजेपी के जिला अध्यक्ष संदीप जैन द्वारा कोतवाली नगर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को पूरी तरह से गंभीरता से लेते हुए पोस्ट ऑफिस के जो सीसीटीवी फुटेज थे वो खंगाले हैं। इसी दौरान स्पीड पोस्ट करते हुए युवक के फुटेज पुलिस के हाथ लगे। इसी आधार पर कोतवाली नगर पुलिस और कोतवाली देहात एसओजी ने उपेंद्र यादव और धनंजय यादव को गिरफ्तार किया है। इनकी तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर स्पीड पोस्ट की रसीद और डायरी मिली है जिसमें एक पत्र लिखा गया था। दोनों चीजें पुलिस ने बरामद कर ली है। इसी आधार पर दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जिस तारीख को मैं सामने कार्यालय बैठा था, मेरे साथ नागरिक जिला प्रभारी भी थे, इसी कमरे में बैठे हुए थे। एक हमारे जो हमारा कार्यालय कर्मचारी है उसको कोई स्पीड पोस्ट द्वारा डाकखाने द्वारा एक पत्र दे गए थे। क्योंकि पत्र मेरे पास सरकारी भी आते रहते हैं, पार्टी के भी आते रहते हैं। मैंने पत्र दे लिया, लेने के बाद खोला। जब पत्र खोला तो उसमें एक धमकी भरा पत्र लिखा था और असली भाषा लिखी गई थी। ब्रेकर से बाइक अनियंत्रित हो जाने से बाइक सवार महिला की गिरकर मौत हो गई। अपने बेटे के साथ बाइक से महिला बाजार जा रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल मां को जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां देखते ही डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना शहर कोतवाली अंतर्गत मवाई बाईपास की बताई जा रही है। ये मेरी माता जी थी और हम बाइक से आ रहे थे, पर वो ब्रेकर की वजह से ये पकड़े बैठी नहीं थी तो इस वजह से ये गिर गई। अच्छा। ये दुर्घटना दीपा सिंह नाम की महिला जिनकी उम्र करीब 40 साल की, दुर्घटना तो वास्तव में यहाँ अस्पताल लाई गई है। ये बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल से जा रहे और ये मवई बाईपास पर के पास मोटरसाइकिल से गिर गई है। घटना घटी बुलंदशहर में आगामी 11 मई को होने वाले नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल शांतिपूर्वक पारदर्शी रूप से संपन्न कराए जाने के लिए जनपद के डीपीएस स्कूल के सभागार में आरओ एआरओ समस्त जोनल मजिस्ट्रेट सेक्टर मजिस्ट्रेट के निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर के द्वारा मतदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। डीएम ने कहा कि मतदान को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए विस्तृत जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी मतदान प्रक्रिया के बारे में सभी आवश्यक जानकारी से अवगत रहें। मतदान के लिए समय से पोलिंग पार्टी को रवाना कराया जाए। सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट फील्ड में भ्रमणशील रहकर मतदान को सकुशल संपन्न कराएं। जो भी दायित्व सौंपे गए हैं उसको पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से निर्वहन करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल उसे संज्ञान में लिया जाए, जिससे उसका निस्तारण कराकर मतदान प्रक्रिया को पूर्ण कराया जा सके। कंट्रोल रूम में भी सूचना देते रहे। मतदान की संबंधित सूचना का प्रशिक्षण भी समय से किया जाए। पीठासीन अधिकारी से भी मतदान के सकुशल संपन्न होने की जानकारी लेते रहे। उनका कहना है किसी मतदान केंद्र पर समस्या आने पर उसका मौके पर ही पहुंचकर तत्काल निस्तारण कराया जाए। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण कराए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना कबरई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम निलवाहा में छापा मारकर रवि दसला फैक्ट्री का खुलासा करते हुए हिस्ट्री शीटर अपराधी रामबाबू लोहार को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 8 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूसों सहित असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए हिस्ट्री शीटर अपराधी पर पूर्व में भी 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान हिस्ट्री शीटर अपराधी ने बताया है कि उसके पिता कुंवर भी अवैध रूप से तमंचा बनाने का काम किया करते थे। उनके साथ रहकर उसने भी तमंचा बनाने का काम सीख लिया। पिता की मौत हो जाने पर आर्थिक लाभ के लिए वो तमंचा बनाकर बेचा करता था। फिलहाल पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है।
थाना कबरई महुआ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति द्वारा अवैध तबंचों का निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना को प्राप्त होने पर एक टीम का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई में दबिश देने पर एक व्यक्ति जिसका नाम रामबाबू लोहार है उसको पकड़ा गया, जिसके पास से 8 अवैध तमंचे व भारी मात्रा में अवैध तमंचे बनाने का सामान रिकवर किया गया है। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि वह एक लोहार है और लोहे का काम करने की आड़ में इस तरह के अवैध धंधे को में वह संलिप्त था। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है व आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस अधीक्षक महोबा अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस लाइन अवस्थित प्रांगण में जनपद प्रयागराज में होने वाले नगर निकाय निर्वाचन 2023 के प्रथम चरण के मतदान के लिए निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत महोबा से नामित पुलिसकर्मियों को सकुशल चुनाव संपन्न कराए जाने के लिए ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी बस ड्राइवरों को भी ब्रीफ किया गया, वो यातायात नियमों का पालन करते हुए बस चलाए और किसी बाहरी व्यक्ति को बस में प्रवेश ना होने दें। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा आवंटित जनपद रवाना करते हुए पुलिस बल से पार्टीवार वार्ता की गई और समस्त से समस्या पूछी गई तो किसी के भी द्वारा कोई भी समस्या नहीं बताई गई। मतदान कराने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जनपदीय पुलिस बल को हरी झंडी दिखाकर पार्टीवार बस से रवाना किया गया तो सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा की गई कि सभी अपनी ड्यूटी में साफ स्वच्छ वर्दी धारण करते हुए ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि का अनुशासन बनाए रखने को सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अधिकारी क्षेत्राधिकारी चरखारी पुलिस लाइन उमेश चंद्र प्रतिसार निरीक्षक प्रभारी चुनाव प्रकोष्ठ सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद नजर आए। सितारगंज में भूमधरी जमीन पर 30 फीट चौड़ा रोड बनाने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने रोड पर रोक लगाने की मांग की है। नानकमत्ता के ग्राम टुकड़ी के लोगों ने एसडीएफ तुषार सैनी को ज्ञापन देकर कहा है कि हम लोगों को खेत में आने जाने के लिए आनंद सिंह के खेत से गर्बू सिंह के घर तक 30 फीट कच्चा रास्ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कच्चे रास्ते को डामर रोड बनाया जा रहा है, इसके लिए उनके खेत की काफी मिट्टी कट रही है जिससे उनके खेतों में काफी दिक्कतें आ रही है। ग्रामीणों ने रास्ते को कच्चा रहने देने की मांग की है। हमारे गांव में जो PWD रोड है मीन चौराहे से कच्चा रास्ता है, आनंद सिंह बाबू सिंह के घर से लेकर के गर्बू सिंह उमेदी के खेत तक की रास्ता है सर, कच्चा रास्ता। वहां बीच में केवल 2 सरदार हैं, 1200 मीटर की लंबी दूरी है और दोनों तरफ से 2 GCV लगी हैं PWD विभाग के द्वारा और 10-10 फुट हमारे खेतों को दबाया जा रहा है सर, जो कि गैरकानूनी है, जिसमें हमारे करोड़ों रुपए की भूमि दब रही है और बाढ़ग्रस्त एरिया हमारे गाँव के लोग मतलब नहायत ही गरीब हैं, क्योंकि गरीब इसलिए हैं बारिश हो रही है और हमारा जो फसल है सारा जो है बाहर से खत्म हो जा रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद में स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की भूमि पर करीब 150 साल पहले बनी पंचक्की की बिल्डिंग को राजस्व प्रशासन ने जर्जर हालत का हवाला देते हुए ध्वस्त करवा दिया है। इस भूमि की बिल्डिंग के नीचे साल 2009 से धार्मिक स्थल भी बना है। धार्मिक स्थल में रखे धार्मिक ग्रंथ और अन्य सामान उपजिलाधिकारी ने अपनी देखरेख में सुरक्षित बाहर निकलवा दिए। धार्मिक स्थल पर करीब 10 से ज्यादा कमरे बने हैं जो जर्जर हालत में थे। धार्मिक स्थल में आस्था रखने वाले लोगों में प्रशासन की कार्रवाई को लेकर नाराजगी देखी गई है। हालांकि भारी पुलिस बल के चलते मौके पर कोई विरोध नहीं कर पाए। आपको बता दें कि इस भूमि में आजादी के समय से बनी पंचक्की में पानी के प्रेशर से आटा पिसाई होता था, लेकिन धीरे धीरे पंचक्की अस्तित्व में नहीं रही। पंचक्की के अंदर वर्तमान समय में भी पानी बह रहा था। बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के दौरान मौके पर उपजिलाधिकारी, सीओ सदर, PAC और बहादुराबाद थाने की पुलिस बल मौजूद रही। क्योंकि पहले पब्लिक इंटरेस्ट में एक पंचक्की चला करती थी, तो क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया था और आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत संवेदनशील था। इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा इलीगली रूप से यहाँ पे मज़ार भी स्टैब्लिश कर दी थी इरीगेशन के बिल्डिंग में। तो आज इरीगेशन एक्सचेंज CO प्लस मेरे द्वारा विजिट किया गया, तो जो मज़ार से जुड़े हुए लोग मौलवी इत्यादि थे उनसे वार्ता की गई और उनको एक तो प्रॉपरली बिल्डिंग के बारे में बताया गया कि बिल्डिंग बहुत पुराना है और ये कभी भी गिर सकता है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की धार्मिक पॉलिसी है कि धार्मिक स्ट्रक्चर को आप किस तरह से रिमूव करेंगे और अगर कोई इलीगल रूप से ऐसी जगह पर एस्टेब्लिश कर दिया गया है
जो कि सार्वजनिक प्लेस है, उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया गया। मयमेची में संदिग्ध परिस्थितियों में एक हिरण का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जामो थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव के समीप खेत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी की तस्वीरें जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक हिरण का शव मिला है, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। वन विभाग भी मौके पर पहुंचा। जामो थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव के समीप खेत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में सुरम्य लाइफ फाउंडेशन के द्वारा संवेदना और मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य किन्नर समुदाय और उनसे संबंधित विषयों पर रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ावा देना है। किन्नर कमेटी अब ये चाहते हैं कि हम भी समाज में जगह मिले, और मिलनी भी चाहिए। जन्म से लेकर मरण तक समाज को ये झेलते ही आए हैं। समाज में जब भी किसी को बुरा भला कहा जाता है तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका भी अधिकार है कि समाज में उसी तरह रहें जिस तरह से आम व्यक्ति रहते हैं। समाज में किन्नर कम्युनिटी का संदेश भी है कि हमें भी हमारा हक ये समाज देना चाहता है। माता पिता के साथ रहना ये भी चाहते हैं, इन्हें आपको और हमारी तरह इनके भी माता पिता इनको प्यार करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि समाज में कब ये बड़ा बदलाव आएगा और किन्नर कम्युनिटी को लोगों को ये समाज अपनाता है या नहीं। बीते दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से आज बरसात पड़ने के चलते राहत तो मिली, लेकिन वहीं हुई बरसात के चलते लोगों को खासकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है वैसे तो, लेकिन हल्की बरसात होने से स्मार्ट सिटी की पोल खुलती नजर आ रही है। जगह जगह पर सड़कों में गड्ढे और जलभराव की समस्या को लेकर लोगों के आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी बन गई है, लेकिन स्मार्ट सिटी के दावे और वादे एक ही बारिश में खोखले साबित हो रहे हैं। एक ही बारिश में आज जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी रही। जो सड़कें थीं उनमें भी गड्ढे नजर आए। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। At GLA University, we make the way. We inspire.